रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस एकादशी को दिव्य रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर रमा एकादशी के दिन सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाए तो सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। हर एकादशी की महिमा अलग अलग होती है। रमा एकादशी जिसे रंभा एकादशी भी कहा जाता है, इसका एक अलग महत्व है। इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण से साक्षात्कार होता है। रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। सौभाग्यवती महिलाओं के लिए रमा एकादशी का व्रत सुख और सौभाग्य फल देने वाला माना गया है। हम आपको बताते हैं रमा एकादशी कब है, व्रत पूजन विधि और महत्व के बारे में। रमा एकादशी गुरुवार 9 नवंबर 2023 को है। एकादशी तिथि शुरू 8 नवंबर 2023 को प्रातः 8:23 पर। एकादशी तिथि समाप्त 9 नवंबर 2023 प्रातः 10:41 पर। हमारे शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी का व्रत कामधेनु चिंतामणि के समान फल देने वाला है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में वह बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। रमा एकादशी का व्रत संसार का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी माना गया है। रमा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। इस व्रत को करने से सामान्य बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अगर आप मन की एकाग्रता और मन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये व्रत जरूर करें। रमा एकादशी का व्रत चातुर्मास की अंतिम एकादशी को किया जाता है। इस व्रत को करने से महिलाओं को सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। रमा एकादशी का व्रत करने के लिए प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात व्रत करने का संकल्प लें। आप जिस प्रकार व्रत करने में सक्षम हैं उसी के अनुसार संकल्प लें। जैसे अगर आप पूरा दिन व्रत करने के पश्चात केवल एक समय फलाहार करना चाहते हैं तो वैसा ही संकल्प लें। अब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करके विधिवत पंचोपचार द्वारा उनकी पूजा करें। यदि आप स्वयं पूजा करने में सक्षम नहीं हैं तो किसी योग्य पंडित के द्वारा पूजा करवाएं। भगवान को चंदन लगाने के पश्चात अपने मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाएं। भगवान श्री कृष्ण की धूप दीप अष्टगंध आदि से पूजा करें और इन्हें पंचामृत फूल और ऋतु फल चढ़ाएं। इसके पश्चात श्री कृष्ण के मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करें। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जरूर करें। रात के समय चंद्रमा उदय होने के पश्चात दीप दान करें। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा कर क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। व्रत का पारण नींबू पानी से करें और उसके पश्चात भोजन ग्रहण करें।